सुंदरबन जंगल में कई दिनों से सर्कस लगा था। आसपास के सभी पक्षी सर्कस देखने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा, मैं शेर देखूंगा, बड़े वाले झूले में झूलूंगा और हवाई जहाज का खिलौना लूंगा। जग्गू, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है, तुम चिंता मत करो। आपके पापा एक बहुत बड़े दफ्तर में लगे हैं, जिसका भी मन करे वो खरीद लेना। अब हम गरीब थोड़े ना है। ऐसे जग्गू अपनी माँ के साथ सर्कस देखने जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू का परिवार मिल जाता है। हरियाली, क्या आप भी सर्कस देखने जा रही हो? हाँ गौरी, हमारा बेटा कई दिनों से जिद कर रहा था तो आज समय निकालना ही पड़ा। चलो, ये तो अच्छा है, अब हम साथ साथ चलते हैं। मैंने तो लकड़बग्घा देखना है, क्योंकि आज से पहले बस नाम ही सुना था। फिर हरियाली एक रिक्शा रुकवाती है और वो सब रिक्शा में बैठ जाते हैं और बातें करते करते सर्कस में पहुंच जाते हैं। हरियाली, चलो हम लकड़बग्घा देख के आते हैं। और माँ, मैं हीरू के संग शेर देख के आता हूँ। गौरी, हरियाली, आप लकड़बग्घा देखने जाओ, मैं बच्चों को शेर दिखा के लाता हूँ। ऐसे मिट्ठू दोनों बच्चों को शेर दिखाने ले जाता है। गौरी लकड़बग्घा देखकर खूब हंसती है। हरियाली, लकड़बग्घा तो सच में कमाल का है, न लकड़ी है और न बग्घा, सिर्फ इसका नाम ही लकड़बग्घा है। हाँ गौरी, वो तो है। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। मिट्ठू अंकल, अब हम बड़े वाले झूले में झूलेंगे, पैसे मेरी मम्मा दे देंगी। फिर मिट्ठू दोनों बच्चों को झूला झुलाता है। जग्गू तो बड़े झूले में बैठ के बहुत डर गया था, उसे चक्कर आने लगते हैं, वो जल्दी ही उतर जाता है। मिट्ठू अंकल, अब मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मेरी मम्मा के पास ले चलो। ऐसे वो सब खूब मस्ती कर रहे थे। आखिर में सब मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। हरियाली, आज तो मजा आ गया, मैं तो हफ्ते में दो बार सर्कस देखने आऊंगी। मम्मा, मुझे हवाई जहाज लेना है, मैंने पहले ही बोला था। तो जग्गू बेटे, मैंने कब मना किया, तुम्हारे पापा अच्छा खासा तो कमा लेते हैं, तुम्हें जो खरीदना हो वो खरीद लो, पैसे की कोई चिंता ना करो। आखिर गौरी, कालू कौवा क्या काम करने लगा है? अब से पहले तो ठाली ही था, बहुत बड़े दफ्तर में ड्यूटी लगी है कालू जी की, पैसे भी नकद मिलते हैं। फिर वो खिलौना खरीदने चले जाते हैं तो रानो चिड़िया मिलती है, जो खिलौना बेच रही थी। गौरी उसे देखकर खूब हंसती है। रानो, तुमने खिलौने बेचना भी शुरू कर दिया, कोई काम रहना चाहे तुमसे, लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक नंबर की गरीबी रहोगी। जब ये सर्कस खत्म हो जाए तो फिर गुजारा भीख मांग के करना। गौरी, कहीं काम नहीं लग रहा था तो बस खिलौने बेचना शुरू कर दिया, किसी की चोरी तो नहीं कर रही, मेहनत से ही तो कमा रही हूँ। चिड़िया, एक दिन का कितना कमा लेती हो, खाने पीने का खर्चा तो निकल जाता होगा ना। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आया कर, तू यहाँ बैठ के खिलौने बेचना, वो सर्कस में घूम घूम कर बेचेगी, इससे तेरी कमाई दोगुनी होगी। गौरी ने इतना बोला ही था तभी गुड़िया अपने खिलौनों का थैला लेकर आ जाती है, वो गौरी को नहीं देख पाती। मम्मा मम्मा, आप मुझे दूसरे खिलौने दें, ये वाले कोई नहीं खरीद रहा, मैं कब से लेकर घूम रही हूँ। मैं ये तुझे क्या बता रही थी, तू तो पहले ही बहुत चालाक है। गुड़िया, खिलौनों के साथ थोड़ा नाच कर भी दिखाया कर, पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे। गौरी, आप ये सब ठीक नहीं बोल रही, मेहनत करने में क्या बुराई है, तुम्हारा पति भी तो कहीं ना कहीं काम करता होगा, जो आप लगातार चिड़िया का मजाक बना रही हो। हरियाली, मेरे कालू का नाम इस गरीब चिड़िया के साथ ना जोड़, ये चिड़िया जमीन पर बैठ के खिलौने बेच रही है और मेरा पति दफ्तर में कुर्सी पर बैठा है, तो भूल कर भी ये गलती ना करना। हरियाली चुप हो जाती है। गौरी आंटी, शायद आपको पता नहीं है, कालू अंकल तो। गुड़िया बेटी चुप, एकदम चुप। गौरी, तुम जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मम्मा, मुझे बताने क्यों नहीं दिया? नहीं बेटे, एकदम चुप रहो। हाँ हाँ, जाते हैं, और क्या तुम्हारे खिलौने खरीदेंगे, ये खिलौने भी कितने बेकार हैं। ऐसे बोलकर गौरी कभी आगे जाती है। एक जगह पक्षियों की भीड़ लगी थी। चलो हरियाली, वहाँ देखते हैं, शायद कुछ अलग है, देखो कैसे भीड़ लगी। फिर वो सब भीड़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक कौवा मुखौटा पहने नाच रहा था। उसके पास एक कटोरा रखा था जिसमें सब पक्षी 10-20 रुपए लगातार रख रहे थे। पता नहीं हरियाली, नाच नाच के भी पक्षी आजकल पैसे कमाते हैं, मेरा कालू तो सबसे अच्छा है। गौरी बहन,
किसी का मजाक नहीं बनाते, सबकी अपनी मजबूरी होती है। ऐसे वो सब कौवे का नाच देख रहे थे। वहाँ भीड़ में एक बहुत अमीर पक्षी था, उसका बेटा अचानक रोने लगता है। पापा, मुझे इस कौवे का मुंह देखना है, मैं सच में जोकर को देखना चाहता हूँ, वो अंदर से कैसा होता है। अरे भाई, जरा अपना मुखौटा तो निकालना, मैं तुम्हें इसके 2000 रुपए अपनी खुशी से दूंगा, बच्चा जिद कर रहा है और तुम्हारा तो भला हो जाएगा। कालू कौवे को क्या पता था, उसके पत्नी बच्चे भी उसी भीड़ में है। वो अपना मुखौटा निकालता है, गौरी की आँखें तो फटी की फटी रह जाती है। गौरी देख लो, ये तुम्हारा पति कालू ही निकला, जो नाच नाच के पैसे कमाता है, जिसका अभी तुम कुछ देर पहले मजाक बना रही थी। गौरी तो बहुत शर्मिंदा होती है, भीड़ कालू का नाच देखकर चली जाती है। वहाँ सिर्फ गौरी और मिठू का परिवार रह जाता है। रानो गुड़िया भी पास में ही खिलौने बेच रही थी, वो भी तुरंत ही भागकर कालू के पास आती है। चिड़िया बहन, मैंने मना किया था, ये बात सिर्फ तुमको ही पता होनी चाहिए, और तुमने मेरे परिवार को बता दिया, तुमने बहुत गलत किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। कालू भैया, मैंने कुछ नहीं कहा, चाहे तो आप गौरी से पूछ लें। गौरी तो बिल्कुल चुप थी, वो क्या बोलती, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, हरियाली से रुका नहीं जाता। वो गौरी को जवाब देती है, देख लो गौरी, रानो को पहले से पता था कि तुम्हारा पति यहाँ जोकर का नाच करता है, फिर भी तुमने उसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला, कुछ तो सीखो। हाँ कालू, चिड़िया ने मुझे कुछ नहीं बताया, हम तो ऐसे ही भीड़ में घुस गए थे, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी, कोई बात नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो, सबकी अपनी मजबूरी होती है। कालू भैया तुम्हें खुश रखने के लिए यहाँ सर्कस में रात भर नाचते हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाते हैं। अब से याद रखना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ऐसे वो सब अपने घर आ जाती हैं। गौरी को तो सबक मिला था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी के काम का कभी मजाक नहीं बनाना। आपका धन्यवाद। राखी ले लो, राखी ले लो, फैंसी फैंसी राखी वाली, जल्दी जल्दी मेरी राखी ले लो। अरे गौरी बहन, आपने कब से राखी बेचना शुरू कर दिया, कल तक तो आप मटके बेचती थी। रानो, मटके के काम में कोई कमाई नहीं हुई, मरे सब पक्षी फ्रिज का पानी जो पीने लगे हैं, इसलिए धंधा बदल दिया। अब जल्दी बताओ, तुम्हें कितनी राखी चाहिए। मेरा तो बस एक भाई है और एक गुड़िया कुकू के लिए, आप मुझे 2 राखी दे दें। बस 2 राखी, इस मरी रानो के कम से कम 10 भाई होने थे, आखिर मेरी राखी तो ज्यादा बिस्ती। ऐसे बड़बड़ाते गौरी रानो को राखी दे देती है और पैसे लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर फैंसी फैंसी राखी ले लो। ऐसे गौरी गली गली आवाज लगाती और अपनी राखी बेचती। दोपहर हो गई थी, अभी तक उसकी कुछ ही राखी बिची थी। उसे भूख लगती है, वो एक हलवाई की दुकान पर रुक जाती है। कबूतर चाचा, जरा मुझे एक समोसा दे दो, जोरों की भूख लगी है। अरे कभी समोसा तो नहीं है, बनाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि आजकल घेवर बहुत जोरों से बिछ रहा है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो पाव भर घेवर खा लो, भूख ही तो लगी है, वरना धंधा छोड़कर यहाँ आने का शौक नहीं मुझे। अब जल्दी से एक पाव घेवर ही दे दो। कबूतर गौरी को एक पाव घेवर दे देता है। गौरी तो भूखी थी, वो जल्दी जल्दी सारा घेवर खा जाती है। लाओ कवि, 100 रुपए दे दो। क्या कहा, इतना सा घेवर 100 रुपए का, लूट मची है क्या। अरे पहली बार घेवर खरीदा है, घेवर 400 रुपए किलो है, जल्दी से मेरे 100 रुपए दो, धंधे का समय है, चिक चिक ना करो। वो पैसे कबूतर को दे देती है। ये मरा कबूतर तो बहुत मोटा कमा रहा है, जब तक मैंने एक पाव घेवर खाया, मरे का 4-5 किलो घेवर तुरंत बिच गया, ना जाने शाम तक तो कितना कमाएगा। और मैंने क्या किया, बस 100 रुपए कमाए और वो भी खा लिए। ऐसे दुखी मन से गौरी कवि आगे जाती है, अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो शाम तक जैसे तैसे राखी बेचकर घर आती है। कालू, मेरा बहुत दिमाग खराब है, इन राखियों में भी कोई खास कमाई नहीं। हाँ गौरी, मैं भी बहुत दूर दूर के जंगल राखी बेचने गया, तब जाके ये 300 रुपए ही कमा पाया हूँ। कालू, इन राखी बाकी को छोड़ो, क्यों ना हम घेवर ही बेचें।
हाँ हाँ, और इसमें कमाई का तो अंदाजा ही नहीं। इस बार हम बहुत अमीर बन जाएंगे। चलो घेवर ही बेचते हैं। लेकिन हमें घेवर बनाना सिखाएगा कौन? हमें तो कुछ भी नहीं आता। तुम इसकी चिंता मत करो, 2 मिनट रुको, मैं अभी सीख कर आता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा घेवर वाले की दुकान पर चला जाता है। उसके पास काफी सारा घेवर था। इसके पास तो काफी सारा घेवर है, इसके पास मेरी दाल नहीं गलेगी, किसी और के पास जाना पड़ेगा। ऐसे कालू कौवा कई घेवर वालों के पास जाता और एक ऐसी दुकान पर रुकता जिसका सारा घेवर खत्म हो गया था। अरे भाई साहब, 1 किलो घेवर तो देना। कव्वे जी, घेवर तो खत्म हो गया, आप किसी और से ले लें। मुझे तो आपका ही घेवर पसंद है, मैं किसी और का घेवर नहीं खाता। तो ठीक है, आप यहाँ बैठें, घेवर बनाने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आराम से बनाएं, मैं तब तक यहीं बैठा हूँ। ऐसे कालू कौवा उसकी कढ़ाई के पास ही बैठ गया था। हलवाई उल्लू घेवर बनाता है, कालू तो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। और काफी देर बाद घेवर बन जाता है। कालू तो बिना घेवर लिए ही वहाँ से भाग जाता है। लगता है कोई पागल ही था, कब से घेवर के इंतजार में बैठा और जब बना तो भाग गया। गोरी, सिखाया घेवर बनाना बहुत अच्छे से सिखाया। चलो आज से ही तैयारी करते हैं। तुम भट्टी बनाने के लिए मिट्टी लाओ, मैं किराने की दुकान से घेवर का सामान लाता हूँ। ऐसे दोनों अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। गोरी भट्टी बनाने के लिए मिट्टी लाती है और कालू कौवा किराने की दुकान से सामान लाता है और अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा ही घेवर बनाते हैं। ऐसे कालू कौवा बड़े ध्यान से घेवर बनाता, जैसे जैसे उल्लू ने किया था वो ठीक वैसे ही करता। और कई घंटों की मेहनत के बाद घेवर बनके तैयार हो जाता है। गोरी, जरा चक्कर बताओ कैसा बना है। आम, 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 आम। कालू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आपने तो कमाल कर दिया, इस बार हम पक्का अमीर होंगे। ऐसे कालू कौवे का घेवर बहुत अच्छा बना था। पहले दिन से ही उनकी दुकान पर पक्षी आने लगे थे और उनका घेवर बिचने लगा था। आओ आओ, मेरा घेवर बहुत अच्छा है। अरे कालू गोरी, आपने घेवर बनाना भी शुरू कर दिया, अभी तक तो आप राखी बेचने लगे थे। रानो बहन, राखी के काम में भी कुछ खास बचत नहीं हुई, लेकिन ये घेवर का काम बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है, अब मुझे भी 1/2 किलो घेवर दे दो, बच्चे सुबह से जिद कर रहे हैं। गोरी रानो को 1/2 किलो घेवर दे देती है और ऐसे शाम तक उनका सारा घेवर बिच जाता है। वो रात को अपने पैसे गिनते हैं। कालू, पूरे 5,000 की बिक्री हुई, 2,000 हमारा खर्चा और ये 3,000 हमारी बचत के। गोरी जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने दिन के 3,000 कमाए, बहुत अच्छा। ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन भी कालू कौवा घेवर बनाता है और उनका घेवर खूब बिचता है। कालू जी, मैं क्या कहती हूँ, घेवर में थोड़ी मिलावट कर देते हैं, इससे घेवर दोगुना बनेगा और पैसे भी डबल कमेंगे। गोरी, इतनी जल्दी मिलावट करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, किसी को कुछ पता नहीं चलता, आप मिलावट करें। अपनी पत्नी की बात मानकर कालू कौवा मिलावट का घेवर बनाने लगता है। गोरी तो खेवा में मैदा डाल देती है और ढेर सारा घेवर बन जाता है। अब देखना कालू, हमारी कैसे चांदी चांदी होती है। घेवर ले लो, ताजी ताजी घेवर बन गया है। ऐसे गोरी खूब आवाज लगाती। कुछ ही देर में उनकी दुकान पर ग्राहक आने लगे थे। वो जल्दी जल्दी मिलावट वाला घेवर बेच देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज राखी वाला दिन था, हर घर में घेवर की मांग थी। कालू, आज सबसे ज्यादा घेवर बिचेगा, मिलावट ठोक के करना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा घेवर खारे हैं या गोबर, और हमारी तो बल्ले ही बल्ले। ये तुमने ठीक कहा। ऐसे वो दोनों खूब मिलावट करते हैं। खोए का तो नाम नहीं था, वो लालच के चलते कुछ ज्यादा ही मिलावट कर देते हैं। इससे जो भी पक्षी आज के दिन उनका घेवर खरीदता तो खाते ही उनका पेट खराब हो जाता। सब गुस्से में उनकी दुकान पर आते। कालू, ये कोई घेवर है, खाते ही मेरे बच्चे का पेट दर्द करने लगा और मेरी पत्नी को तो उल्टी, दोनों हॉस्पिटल में है, जल्दी से उनकी भरपाई दो वरना लाठी से मारूंगा।
कौवा जल्दी से मिट्ठू को रुपए देता है। उसके जाते ही और पक्षी आते हैं और दोनों को भला बुरा सुना के अपने पैसे वापस लेकर जाते हैं। तभी एक चील आती है जो कि बहुत गुस्से में थी। वो उन दोनों से बात ही नहीं करती, दोनों को खूब मार लगाती है और उनकी दुकान भी तोड़ देती है। बदमाश कौवो, आज के बाद मुझे दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हारा घेवर खाकर मेरे भैया बेहोश हो गए, राखी का तोहफा तक नहीं मिला। चील दीदी, हमें माफ कर दे, हम घेवर क्या आज के बाद कुछ नहीं बेचेंगे, हमें छोड़ दे। हाँ चील दीदी, हमें छोड़ दे। ऐसे दोनों कौवे माफी मांगते हैं। चील धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, मैं तो ईमानदारी से ही कमाना चाहता था, लेकिन एक तुम हो जिसे हर समय मिलावट ही दिखती। अब करो मिलावट। उस चील ने कितना मारा है, मेरी तो हड्डी ही टूट गई। ऐसे दोनों कौवों को सबक मिलता है और वो फिर से अपने मटके बेचने का काम शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी रक्षाबंधन की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। पति जी, बारिश जोरों से होती जा रही है, कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बोली की अम्मा, अभी काम भी कितना हुआ है, बारिश का क्या है, ये तो पूरा दिन आएगी, हमें काम नहीं रोकना चाहिए। ऐसे किसान पति पत्नी अपने खेत में धान की फसल लगा रहे थे। बारिश जोरों की थी, वो तब भी नहीं रुकते, लगातार अपना काम करते हैं। पास वाले पेड़ पर ही चिड़िया का घर था, जो काफी देर से किसान पति पत्नी को देख रही थी। वो उनके पास आती है। माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप बारिश में घर क्यों नहीं जा रहे? चिड़िया रानी, ये मौसम तो बारिशों का ही है, अगर हमने काम बंद किया तो आप चावल कहाँ से खाओगी? किसान भाई, आप कितनी मेहनत करते हो, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। नन्ही नन्ही चिड़िया, आपने बोल दिया वो ही काफी है, आप जाएं, बारिश में ना भीगें। ऐसे छोटी चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। बारिश तो सच में कई दिनों तक लगातार होती। अब पक्षियों के घर का सारा जमा भोजन खत्म हो गया था, उन्हें भूख लगी थी। कालू, आप कुछ भी करके भोजन लाएं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, दिख नहीं रहा बारिश कितने जोरों की है, ऐसे में दाना कहाँ से ढूंढ पाऊंगा, चाहे किसी से लूट कर लाओ लेकिन मेरे लिए दाना लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कौवे को अपनी पत्नी की बात ठीक लगती है, क्योंकि उसे भी जोरों की भूख लगी थी। वो घर से बाहर चला जाता है। कुकू, ऐसे मौसम में दाना मिलना नामुमकिन है, आप बारिश का पानी पी ले, मैंने तो दो बार पी लिया। गुड़िया दीदी, अब पानी भी नहीं पिया जाता, मुझे दाना खाना है, जोरों की भूख लगी है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर खुद को नहीं रोक पाती, वो तेज बारिश में घर से निकल जाती है। हवाएं इतनी तेज थी कि वो मम्मा चिड़िया को कहीं और ही ले जाती है। अरे ये मैं कहाँ जा रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। चिड़िया ऐसी तेज आंधी तूफान में बहल जाती है और मदद की पुकार लगाती है। वो एक बड़े पेड़ से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ से किसान पति पत्नी अपने घर जा रहे थे। वो चिड़िया को देख लेते हैं। गोलू के पापा, ये तो वही चिड़िया है जो उस दिन हमारे खेत पर आई थी, बेचारी के सर पे चोट लगी है, चलो इसे घर ले चलते हैं। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है, उसकी चोट पर मरहम लगाती, पट्टी बांधती और कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाता है। माँ जी, मैं यहाँ कैसे आई, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मैं तो दाना लेने निकली थी, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे रे चिड़िया, आप जख्मी हो, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं, रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर किसान की पत्नी अपने रसोई से एक ब्रेड का डब्बा लाती है और चिड़िया को दे देती है। छोटी चिड़िया, आप ये ब्रेड ले जाएं, क्योंकि इन्हें लेकर आपको उड़ने में आसानी होगी, और अब से दाने के लिए कहीं ना जाना, सीधे मेरे घर आना, मैं रोज रोज तुम्हारे बच्चों के लिए खाना दे दिया करूँगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चों को भूख लगी है। ऐसे चिड़िया ब्रेड का डब्बा अपनी चोंच में ले लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो तेज
बारिश में धीरे धीरे उड़ रही थी। दूर डाल पर बैठा कालू कौवा सब देख रहा था। तभी उसकी नज़र चिड़िया के ब्रेड पर जाती है। और चिड़िया के पास ब्रेड पड़ रहा है, इसी से छीन लेता हूँ। गोरी ब्रेड देखकर बहुत खुश होगी। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और झट से उसका डब्बा छीनकर भाग जाता है। चिड़िया तो उसका पीछा करती है, मगर वो बहुत थकी हुई थी, कौवे को पकड़ नहीं पाती, उससे पीछे ही रह जाती है। कालू तो झट से अपने घर में घुस जाता है। गोरी जल्दी से दरवाजा लगाती है। कालू कालू, मेरे ब्रेड मुझे वापस लौटा दो, इन्हें मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ, उन्हें भूख लगी है, जल्दी से मेरे ब्रेड वापस करो। चलो चलो भाग यहाँ से, अब ये ब्रेड हमारे हैं। कालू कितनी मुश्किल से लाया है, चलो कालू अब जल्दी जल्दी खाते हैं, कितनी जोरों की भूख लगी है। गौरी दिमाग से काम लो, आधे ब्रेड तुम खा लो और आधे मुझे दे दो, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, कृपया सारे ब्रेड ना खाओ। चिड़िया ऐसा तुम्हें पहले बोलना था, अब तो हम सारे ब्रेड खा गए, तो तुम जाओ, अब तुम्हारे रुकने का कोई फायदा नहीं। कालू गोरी तुम बहुत बुरे हो, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, तुम बहुत बुरे हो, उनका सारा खाना खा गए, तुम बहुत बुरे पक्षी हो। ऐसे रोते हुए चिड़िया अपने घर लौट जाती है और अपने बच्चों को पूरी कहानी बताती है कि कैसे कालू गोरी ने उनका सारा खाना खा लिया। गोरी आपने चिड़िया से झूठ क्यों बोला, हमने तो आधे ब्रेड खाए हैं। कालू ये मैंने कल के लिए बचाए हैं, और वो छोटी चिड़िया तो बहुत मेहनती है, दोबारा से भोजन का इंतजाम कर ही लेगी। मम्मा हम भी उस माँ जी के घर को अच्छे से जानते हैं, मैं और कोको अभी जाते हैं और थोड़ा सा खाना दोबारा मांग कर लाते हैं, वो माँ जी बहुत अच्छी है। ऐसे दोनों बच्चे उस किसान की पत्नी के घर चले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। किसान की पत्नी उस समय पराठे बना रही थी। वो कौवे तो बहुत मक्कार निकले, पर कोई बात नहीं, अब से तुम सब यहीं पर भोजन करके जाया करना, तुम दोनों गरम गरम पराठे खा लो। किसान की पत्नी की ये बात सुनकर कुक्कू गुड़िया तो बहुत खुश होते हैं। वो पेट भर पराठे खाते और एक पराठा लेकर अपने घर आते हैं। मम्मा चिड़िया तो एक पराठा देखकर परेशान होती है। अरे ये क्या, पराठा एक है और खाने वाले हम तीन, क्या ही खा पाएंगे। हम दोनों किसान के घर से ही अपना पेट भर के आए हैं, ये पराठा तो आपके लिए है। बच्चों कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं मम्मा आप खा ले, हम झूठ नहीं बोल रहे, देखे हमारे पेट कैसे फूले हुए हैं। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है और वो पूरा पराठा खा लेती है, उसका पेट भी भर गया था। अब से वो तीनों बारिश के दिनों में किसान के ही घर जाते और भर पेट खाना खाकर वापस आते। कालू देखा आपने, चिड़िया कैसे किसान के घर से ही पेट भर के आती है, उस दिन ब्रेड का डब्बा छीना था इसलिए हमसे डर गई है और किसान के घर ही खा के आती है। कालू भूखे तो हम मर रहे हैं, चलो हम भी किसान के घर चलते हैं और कुछ खाकर आते हैं। भूख से बेहाल दोनों कौवे किसान के घर चले जाते हैं। चिड़िया उस समय जलेबी खा रही थी, गोरी तो खुद को रोक नहीं पाती। हाजी माँ जी हमें भूख लगी है, थोड़ी जलेबी हमें भी दे दें। बुरे कौवो तुम खाना चोरी करके खाते हो, बेचारी छोटी कमजोर चिड़िया को सताते हो, मैं तुम्हें एक जलेबी नहीं दूंगी। बेचारी छोटी चिड़िया को बहुत सताते हो। माँ जी हमें माफ कर दे, आज के बाद हम कभी चिड़िया का खाना नहीं चुराएंगे, हमें जलेबी दे दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी हमने भी कल से कुछ नहीं खाया, ज्यादा ना सही तो एक एक जलेबी दे दे। शैतान कौवो थोड़ी मेहनत करना सीखो और छोटे पक्षियों को सताना छोड़ दो, मैं तभी तुम्हें जलेबी दूंगी। माँ जी मैं वादा करता हूँ, आज के बाद चिड़िया बहन से कुछ नहीं कहूँगा, मेरा पक्का वादा है। फिर किसान की पत्नी उन दोनों को भी जलेबी देती है। कालू गोरी तो झट से खा जाते हैं और सब खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। आपका धन्यवाद।